हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, इसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। हमारे को बताना है कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, हमारी जो आँख होती है, उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसकी इमेज बन रही है तो वो हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर बन रही है। कॉर्निया पे बन रही है, इरिस पे बन रही है, पुपिल पे बन रही है, या फिर रेटिना पे बन रही है। तो सबसे पहले तो हमारे को इन सब पार्ट्स को जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है, तभी तो आप इसका आंसर दे सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इसको रट लो, एक तरीका ये है कि आप इसको समझो। हमारी ह्यूमन आई की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे होता है लेंस, और अगर कोई पूछे कि ये लेंस कौन सा होता है तो आप बता देना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है दो, ठीक है सर। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ मिडिल के अंदर एक, यहाँ पे मिडिल के अंदर एक वाइट डॉट, ब्लैक डॉट होता है। हाँ सर, ये भी देखा है। तो ब्लैक डॉट को कुछ और तरीके से बना लेते हैं। ये मान लो यहाँ पे ब्लैक डॉट होता है, और उसके ऊपर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है। सर मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अलग अलग पार्ट्स आपको समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्निया क्या होती है। सबसे पहले समझो पुपिल क्या होती है। सबसे पहले तो समझो कि पुपिल क्या होती है। जो हमारी आंख के अंदर एक ब्लैक डॉट होता है सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो ब्लैक डॉट होता है, इसको बोला जाता है पुपिल। जो बिल्कुल सेंटर के अंदर ये ब्लैक डॉट जो है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पुपिल बोल रहा हूँ, ठीक है सर। इसके ऊपर जो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, इसको बोला जाता है इरिस, ठीक है सर। और इन दोनों के ऊपर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से एक लेयर होती है, इसको बोला जाता है कॉर्निया। इसको बोला जाता है कॉर्निया। अगर मैं इनकी फंक्शंस की बात करूं तो जो हमारी पुपिल होती है, जो सेंटर के अंदर जो पुपिल होती है, इसको, इसके अंदर कितना लाइट, ऑब्जेक्ट का जो लाइट जाता है, ब्राइटनेस जाता है, वो कितना जाना है कितना नहीं जाना है, ये कंट्रोल करने का काम करती है हमारी इरिस। इरिस एक तरीके से इस तरीके से होती है, अगर हमारे को ज़्यादा लाइट चाहिए हो तो ये इसको कुछ इस तरीके से खोल देती है, अगर हमारे को कम लाइट चाहिए है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो ये कुछ को इस तरीके से जो है वो शट डाउन कर लेती है। तो इस तरीके से हमारी जो है इरिस जो है वो वर्क करती है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक तरीके से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो हमारे पास जो सेंटर के अंदर आँख के अंदर जब आप देखोगे एक ब्लैक डॉट सा आपको दिखेगा, वो होती है क्या, हमारी पुपिल। और उसके चारों तरफ जो आपको और थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता है, हल्का ब्लैक दिखता है, एक तो बिल्कुल डार्क ब्लैक है डॉट, आपको इस तरीके से डॉट दिखेगा बिल्कुल ब्लैक, एक हल्का फुल्का उसके चारों तरफ आपको ब्लैक दिखेगा। तो ये जो ब्लैक, जो स्ट्रॉन्ग वाला ब्लैक है, डॉट वाला जो ब्लैक है, ये तो होता है पुपिल। और इसके चारों तरफ वाला जो ब्लैक है, इसको बोला जाता है इरिस। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोला जाता है कॉर्निया। समझ गए, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इमेज कहाँ बनती है। देखो, कोई भी, जैसे मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट रखी है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखी है, इस पर जो है इस तरीके से रेज आएंगी, और रेज जो है आकर, और यहां पर हमारे पास क्या होती है, रेटिना होती है, और इस रेटिना पर हमारी इमेज जो है वो बन जाती है। तो हमारे को ये तो पूछ रहा था कि भाई ऑब्जेक्ट की
जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, वो बनती है रेटिना पर, रेटिना पर बनती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है किसके अंदर लेंस कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जो सेंटर के अंदर बिल्कुल ब्लैक डॉट होता है उसको बोला जाता है क्या, पोपिल। और उसके जो दोनों तरफ इसको एडजस्ट करने के लिए, लाइट को एडजस्ट करने के लिए कितना आना देना है कितना नहीं देना है, वो इसका काम होता है। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, कॉर्निया का होता है। और हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं, यूज नहीं करते, हमारी आंख के अंदर नेचुरली होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब चलो अपने आंसर देखते हैं कौन सा सही है। कॉर्निया मैंने आपको बता दिया, पुपिल बिल्कुल सेंटर वाला जो ब्लैक डॉट होता है उसके चारों तरफ जो हल्का ब्लैक होता है उसको बोला जाता है इरिश। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निया होती है और रेटिना पर हमारी इमेज बनती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है। तुम्हारे को ये तो पूछ रहा है कि ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ह्यूमन आई के अंदर कहाँ पर बनती है, तो वो रेटिना पर बनती है। तो आपको याद रखना है रेटिना पर हमारी इमेज बनती है। और बिल्कुल सेंटर के अंदर ब्लैक डॉट होता है वो पुपिल होता है। और इसको इस तरीके से हमारे पास एक विंडो होती है जो इसको कम या ज़्यादा कर लेती है, तो वो इरिस होती है। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निया होती है। तो इस तरीके से आप आंसर को कंप्लीट समझ के ही नोट डाउन किया कीजिए। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो या किसी भी डाउट को रिजोल्व करवाना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हूँ। तो उम्मीद है आपको आंसर जो है समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।